अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, उम्मीद आप लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं भी खैर खैरियत से हूँ। आपको एक स्टोरी टाइम वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। तकरीबन मैं एक सूट को 3 दिन तक पहनता रहता हूँ, मतलब 3 दिन में 9 व्लॉग बना लेता हूँ मैं तकरीबन। तो ना मेरे ना एक ही सूट होता है, तो आप ना जज नहीं करें। वैसे तो मेरे पास कम है सूट पहनना, फिर भी इतने हैं सूट पर मैं पहन सकता हूँ, पर नए हर व्लॉग में पढ़ना यार मैं पहनता नहीं। मैंने यार फजूल के मोड़ना, फिर धुलाई होगी, फिर ना पानी वेस्ट होगा और पैसा भी वेस्ट होगा, क्योंकि फिर हर रोज ना बदलूंगा। और मैं एक दिन में 3 व्लॉग बना लेता हूँ, फिर मेरा हर रोज 3 सूट है ना, इसलिए मैं ना 1 सूट में ना व्लॉग बना लेता हूँ। अच्छा भाई, स्टोरी टाइम क्या भाई, एक मर्द के पीछे मर्द लग गया। आपको स्टोरी टाइम सुनने में लग रहा ही होगा अजीब सी बात, वैसे तो मेरे व्यूज नहीं आते, आप मैं तो मोबाइल से बात करो। वैसे आपको बता रहा हूँ, आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, मर्द के पीछे मर्द लग गया। वाह भाई वाह, यही स्टोरी टाइम है। और बस अब जल्दी से ना मैं थोड़ा सेटअप करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। वो मर्द मेरे पीछे लगा है और मैं वो मर्द हूँ जिसके पीछे कोई लगा है। आपको समझ नहीं आ रही होगी यार, मैं ना नमाज पढ़ता हूँ माशाल्लाह से, आप भी पढ़ा करें 5 वक्त की। और ना मैं ना बयान भी सुनता हूँ, मतलब कि जब ना मौली साहब नमाज के बाद बयान करवाते हैं ना, बुड्ढे लोग ही सुनते हैं, पर मैं भी ना उन बुड्ढों के साथ में बैठा था। सही है, तो मैंने बयान में सुना था कि ना जमात के साथ और पहली शिफ्ट में और ना इमाम के साथ अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ते तो ज़्यादा सवाब मिलता है। सवाब तो नमाज पढ़ने से मिलता है, पर ऐसे भी करने से। तो ना भाई, पहले मेरे रुकावट आ रही थी मुर्गा मुर्गी, तो मैंने व्लॉग बनाना बंद कर दिया। और मैंने तरीका अलग-अलग तरीके टाइमिंग सोची, मैंने सोच ली और मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ आराम से, मुझे नमाज ही पढ़ने जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा चल अब ना मैं नमाज पढ़ूंगा सकून से, अब मर्द के पीछे मर्द लग गया, मगर मीन्स के मेरे पीछे एक मर्द है और मैं आगे चल रहा हूँ यार, मेरे पीछे एक मर्द, आप समझ रहे नहीं होगी। कल ना मैं गया नमाज पढ़ने असर की, तो ना मैं ना आदमी ने पता नहीं कुछ बोला, पता नहीं पठा पश्तो में बोला, पता नहीं क्या बोला, मेरे को समझ नहीं आया। उनने बस मुझे ऐसा लग रहा है ये बोला गया चल रहा है, बस मुझे ये सुनाई है, मुझे ऐसा लग रहा है बोल रहा है चल रहा है, मैंने ना खा बस वो चले गए, भाग गया मेरे से, मेरा आ गया असर की नमाज पढ़ के आया मैं। जब मैंने बोला चल इग्नोर कर दिया, ऐसे ही कोई ना मजाक कर रहा हो, मैं भी ना लोगों के साथ ऐसे मजाक करता रहता हूँ। और ना वो पठान है, अब पठानों के पास ना असला भी होता है, मेरा डर लगता है, डर लग रहा है असले धसलस नहीं हो रहा है, अब पता नहीं है। अच्छा पठान बस, हाँ अगर जो कोई ना पठान की पठान लोग देख रहे ना या कुछ भी यार, जज नहीं भाई ऐसे नहीं कहे, हर कोई गंदा होता है, मतलब कि ये नहीं कह रहा मैं पठान ही गंदे होते हैं, हम हर ना चीज़ गंदे होते हैं, सिंधी हो या पंजाबी हो या पठान हो या महाजिर हो, कोई सी भी ना चीज़ हो, वो सभी ना उनमें से गंदे भी होते हैं। सही है, अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरे होते हैं, अच्छे भी होते हैं गंदे भी होते हैं, तो ना थोड़ा सा दिल में नहीं लिया करें। और ना भाई मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ, मेरा ना कॉन्टेंट भी बन जाएगा। और मैं अब आपको आज आगे ही बात बताता हूँ। फिर ना मैंने इग्नोर कर दिया असर की नमाज पढ़ने की बात, तो ना मैं गया मगरिब की नमाज पढ़ने और मेरे साथ वो नमाज पढ़ रहा, मगरिब की नमाज मैंने चलो मैंने बोला जल्दी जल्दी आता हूँ मैं, ताकि ना मस्जिद के अंदर ही नमाज अजान सुन लूँ और ना नमाज भी पढ़ लूँ वही, तो ना जल्दी चले गया। और मेरे ना उसके मेरे बराबर में वो, मेरे को डर नहीं लगा, बस मेरे को ना मेरे सोच में आया, फिर डर नहीं लगा, तो खुद ब खुद ना मेरे अंदर खौफ आ रहा, पसीने ऐसे आ रहे हैं, मेरे को सर्दी हो रही है मेरे घर पर, मुझे वहाँ इतनी गर्मी लग रही, पसीना पसीन पूरी कमीज पसीना पसीन बगल, इसी देखो ये देखो कितना पसीना आ रहा है, इतना पसीना, आपका ये कैमरा अच्छा है ना थोड़ा सही है, इसमें ना पसीने सही नहीं दिख रहे, पर ना इतना पसीने आ रहे, मेरी हालत टाइट हो गई नमाज के बीच में, और मुझे खौफ आता रही है, मेरा बस दिल में ना ये बस रो मेरा डर लगा रहता है, अल्लाह मदद करना ऐसे बोलता रही है, मैं दिल में नमाज में जो पढ़ता ना वो तो पढ़ता, पर ना दिल में जो खौफ आ रहा, मैंने डर गया। फिर नमाज पढ़ने के बाद दुआ हुआ करने के बाद फिर मैं आ गया घर में, आया
मैंने सोचा यार दूसरे रास्ते से चल जाऊं, क्योंकि ना मैंने बोला ये ना चोर भी हो सकता है, मैं ऐसा लग रहा है, मैंने बोला लंबा रास्ता करके चले जाता हूँ मैं, तो मैंने बोला यार चोर होते ना फिर ग्रुप बना के नहीं आए, अभी एक है फिर ना ग्रुप बना के आएंगे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना मैं घर में भी आ सकता, अल्लाह माफ करे अल्लाह, वैसे है नहीं मेरे पास इतना कुछ पढ़ना, ये है ना मोबाइल, लोग ना ये समझते हैं अमीरों वैसे मैं बाहर नहीं लेके जाता मोबाइल, अच्छी बात है, और मेरे बाबा ने भी ना यही इसलिए तो कहा है कि ना बाहर नहीं लेके जाओ, और ना बाहर भी लोग नहीं बना, मेरे को पता चला क्योंकि मैं अपने ना रिश्तेदारों को बताऊंगा मोबाइल का चीज़ों को बताऊंगा, तो ना रिश्तेदारों के साथ ना मैं बोलूँगा मोबाइल ले जाने, तो अल्लाह माफ करे हैदराबाद के ना हो बस दुआ करना, बस हैदराबाद सही है भाई, चोरी पढ़ना अल्लाह माफ करे अल्लाह हर जगह से चोरी हटा दो, भले इंडिया हो पूरी दुनिया हो भले कोई सी भी जगह भाई चोरी ना हो भाई, किसी को क्या पता भाई कितनी मेहनत से लिया मैंने इतना मोबाइल, इतनी मेहनत से लिया, इसका भी स्टोरी टाइम बनाऊंगा पढ़ना मैं, थोड़ा मशहूर हो जाऊँ ताकि ना अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊँ ताकि आप मोटिवेशनल हो। हाँ मैं खाता अच्छा मेरे पीछे पीछे आ गया वो, अब मेरे ना दिन में ना खौफ आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार ये ना मारने वाला तो नहीं है, ये मेरे को मार दे मेरे को ना दफना दे, मतलब कि मेरी मैं इतना मोटा हूँ मार्शल आर्ट है, मैंने अपने दोस्त को ही बताई वाली बार बोला तू ना बहुत मोटा है इसलिए ना तुझे ना ये लेकर आया ताकि ना तू ये दिल गुर्दे निकालेगा ना ज़्यादा महंगा बिकेगा, वैसे इंसान मैं आपको बता देता हूँ वैसे इंसान ना 500-400 करोड़ का होता है एक इंसान, और ना मेरा दोस्त बोला तू ना 500 करोड़ का होगा, मुझे ऐसी हंसी आई उस बात में, मतलब बेहतर लग रहा है इंशाल्लाह, बस ना मुझे डर लग रहा है अभी भी, और ना कल ना रात मैं आपको एक बताता हूँ, मैं असर की नमाज पढ़ने गया ना, उनने बोला कि चल रहा है बस ये बोला, फिर ना वो भाग गया सही है, अब अगली नमाज में मगरिब के वक्त ना अंधेरा होता है, अंधेरे वाली नमाज में इसलिए मतलब पढ़नी नहीं, उनने सही पढ़ी, मैंने बोला भाई कोई पागल वागल होगा, पर मैंने बोला यार नमाज तो सही पढ़ी है, पागल वागल होता था ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करता और आने भी नहीं देता, मेरे पीछे आता है मैंने जिक्र कर दिया अल्लाह 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 करता रही मैं डर लग रहा मेरा भाई मेरा ना एक दोस्त तो नहीं लगे एक ना आदमी है मेरे को देखते मतलब एक लड़का मेरे जितना ही वो मुझे ना देखते रहते हंसता रहता तो ना उसने ना बोला आराम से चल मैं ना भाग रहा था डर के मारे, बोला आराम से चल धरती टूट जाएगी, मैंने बोला ओके इससे ना बातें करने लग गया, तो मैं बातें करने लग गया, वो ना जो मेरे पीछे पीछे आ रहा था ना बंदा जब मगरिब के नमाज पढ़ने के बाद वो ना रुक गया, मैं ना बातें करता रही तो मैंने बोला ऐसे देखता रहा वो खड़ा हो गया एक जगह, फिर मैं कहा क्या मेरे घर का रास्ता नहीं देखा उन्होंने, जल्दी से मैं भागा अपने घर ताकि ना मतलब इस बिल्डिंग में मतलब जहाँ देखा मैं, अब तू चोर देखना चोर ही नहीं है कुछ भी है, अब देख तेरे को पिटवा के रहूंगा, देख मैंने गुस्सा हो रहा ये पहले वैसे ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो वैसे बाद में देखा जाएगा, उनमें अभी तो मेरे पीछे नहीं आया, मैं असर की नमाज पढ़ के आया, अभी मुर्गा मुर्गी खाने का भी टाइम होना पड़ रहा है, मैंने बोला ये वीडियो बना रहा है अभी 20 मिनट है छत पे आने में, इसलिए मैंने बोला वीडियो बना रहा था बस, मैं क्या मैं ना बस डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं रात को भी ना 1 बजे सोया हूँ डर के मारे, मेरा भाई ना गया था काम से अपने दोस्तों का, तो ना मैंने बोला भाई आया नहीं मेरे साथ ना भाई सोता था बेड पर, तो मुझे डर लग रहा था मेरी बहने सो गई मेरे बाबा सो गए, तो मुझे बहुत डर लगा, फिर ना मैं भाई आया ना भाई ना मोबाइल चला रहा, फिर मैं सुकून से सोया यार, अल्लाह माफ़ करो यार अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा हो रहा पता नहीं मेरे पीछे पीछे चल रहा है यार, मुझे डर लग रहा है बस, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि चोर ना हो, डर लग रहा है कोई गेंद के हाथ नहीं है, इसलिए ना मैं लंबा रास्ता कर गया ताकि ना कोई किसी को रास्ता नहीं पता चला, उसके पैर डूब जाओ उससे खड़ा हो जाओ, मुझे लग रहा है रात वाले अजान वाले दिन ना रात को ना ये ना मेरा पीछा करने चाह रहा है ताकि ना इसको ना मेरे घर के बारे में पता चल जाए, या ना रात को अंधेरे में ना मुझे पकड़ के ले जाए, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ना रात को ऐसे ना अंधेरा होता है और ना कम लोग होते हैं बाहर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ, तो मैं ना ईशा की नमाज तो इंशाल्लाह घर में पढ़ लूँगा, अब क्या कर सकते हैं, मेरी तो बस नियत थी है कि ना मस्जिद में पढ़ने सवाब मिलता ज़्यादा, हाँ अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, और मेरे को गुस्सा आ रहा है यार बहुत गुस्सा आ रहा है, तेरी माँ की आँख की नाक की ताकी बेटा तेरा मैं कीमा बना के खा जाऊंगा, वो इतना खूबसूरत इंसान है यार इतना खूबसूरत, वो पठान भी हो ना उसकी आँख बिल्ली जैसी है यार, उसके ना बच्चा है मतलब देखने में कदम मतलब वो होगा 20-22 साल का इतना बड़ा होगा, पर ना मेरे से थोड़ा सा कदम बड़ा है, और ना दाढ़ी भी उसकी मूंछें भी और आँखें वी आई पी, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा दिल आ गया बस, पर ना मेरे को बहुत डर लग रहा है बस पीछे आ रहा है मेरा यार, मेरे को ना इंसान ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंसान होता है ना इंसान उसके ना इंसान चुप होगा ना इंसान, मैं जैसे चुप रहूंगा ना मतलब अभी नहीं चुप मैं, कोई इंसान ना बातें कर रहे हो बातें कर रहे हो कोई बोल रहा होगा ना उससे कभी भी नहीं डरो,
क्योंकि ना डर होता भी नहीं, जो बोलता है ना ज्यादा, मैं ना बोलूं, अभी बोलता रहता हूँ बोलता रहता हूँ, आपको डर लग रहा है मेरी वीडियो देखते हैं? नहीं, अब ना मैं कोई हॉरर वीडियो बनाऊंगा, चुप चुप होकर आ ई ऊ होता है हल्का हल्का, तो क्या लगता है? डर, सही ना? मेरे भी दिल में ऐसे ही डर आ गया कि ना वो मेरे को ना बोला नहीं है, उसको बस उसने एक अल्फाज बोला है कि ना चल रहा है, पर चल रहा है तो क्या चल रहा है, मेरे पीछे पीछे भाग के आ रहा है यार, मुझे इसलिए तो डर लग रहा है, उसने बोला नहीं है। मेरे दोस्त थे काफी, मेरे दोस्तों ने बोला यार तेरा घर है, मैंने बोला चल ले, उनने बोला इसलिए उसको उससे मुझे डर नहीं लगा, पर उनने मुझे नहीं बोला जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो मुझे उससे डर लग रहा है। इंसान चुप होता है ना जब, उसका खौफ इंसान के दिल में बस जाता है। यार दोस्तों, मैं ना वीडियो बनाते बनाते ना घबरा रहा था और ना उल्टी सीधी बातें कर रहा था, गालियां दे रहा था, तो ना मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सही हूँ मैं। और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जहाँ जहाँ फॉलो हो सकता है फॉलो भी कर देना। चुप है, चुप खामोशी बहुत बड़ा राज है यार, आदमी के पीछे आ